नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। आरजेडी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या ये यूं कहें कि लालू यादव के परिवार में सब कुछ फिलहाल ठीक चलता हुआ नहीं दिख रहा है। तेज प्रताप यादव आज दिन में कहते हैं कि वो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होती है। उसके बाद अब उन्होंने छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक पद से इस्तीफा दिया है और एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद की जो दो लाइन है वो दो लाइन पर ही हम डिस्कशन करने के लिए यहां बैठे। उन्होंने लिखा है, नादान है वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं, कौन कितना पानी में है सबकी खबर है मुझे। तेज प्रताप यादव एग्जैक्टली मैसेज किसे दे रहे हैं? देखिए, यदि आप मैसेज की बात कहेंगे तो ये मैसेज सीधा सीधा तेजस्वी यादव को है, जो अभी महागठबंधन के लीडर हैं, या आप कहें कि आरजेडी के यदि लालू यादव रिम्स में हैं तो उनके अनुपस्थिति में आरजेडी के सुप्रीमो हैं। तेज प्रताप यादव उनको सुप्रीमो मानने को तैयार नहीं होते हैं। और देखिए, मैं तेज प्रताप यादव को लेकर पिछले 5-7 दिनों से खबर रख रहा था। आपको याद होगा 4-5 दिनों पहले मैंने आपसे ही पूछा था कि तेज प्रताप यादव हैं कहाँ, सीन कहाँ से गए। वृंदावन में। हाँ, तो लोगों ने कहा कि वो मथुरा वृंदावन की सैर कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, जब तक मथुरा वृंदावन में हैं तब तक शांति है, तब तक जय श्री कृष्ण है। लेकिन जैसे ही वो आए, शांति अशांति में बदलने लगी। 3 दिनों पहले ही मुझे किसी नेता ने बताया था, देर रात को फोन करके बताया था कि उन्होंने एक शिवहर के लिए और एक नालंदा के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मैंने उस रात को कई जगहों पर सर्च किया, मुझे मिला नहीं। लेकिन यह बात समझ में आने लगी थी कि वो शिवहर पर और जहानाबाद पर अड़े हैं, उनके अपने खास हैं। क्यों खास हैं? कोई एक बिल्डर है, कोई दूसरा क्या है? तो अब देखिए, तेजस्वी यादव किसको किसको संभाले? कांग्रेस संभल नहीं रही है। आज जब कांग्रेस ने आंख तरेड़ दी, महागठबंधन नहीं, हाँ महागठबंधन संभल नहीं रहा है। आज जब कांग्रेस ने आंख तरेड़ ली, राहुल गांधी खड़े हो गए तो उन्हें रंजीता रंजन वाला फैसला वापस लेना पड़ा। कृति आजाद को लेकर तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं जो हम बताएंगे भी थोड़ी देर में। लेकिन अब देखिए, इतना बड़ा महाभारत छिड़ गया जिसकी उम्मीद पहले से लोग कर रहे थे, और विपक्ष को इसने मौका दे दिया कि अब आप यदि एक एक शब्द को पकड़िए, क्या लिखा तेज प्रताप यादव ने? नादान हैं वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं। वो लोग कौन हैं? ये तो फैसले लेने वाले उनके घर के ही लोग हैं। घर के ही लोग हैं लालू यादव। हाँ, राबड़ी देवी ने, राबड़ी देवी ने सिंबल बांटा सुभाष यादव को दिया वहाँ चतरा। हाँ, में बिल्कुल। हाँ, सारे सिंबल भोला यादव के पास हैं, जो साइन कर लालू यादव ने दे रखे हैं, जिन्हें वहाँ से निर्देश मिलेगा उन्हें दिया जाएगा। तो नादान है वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं। तो सवाल ये पैदा होता कि नादान उन्हें समझ कौन रहा है? तो सीधा सीधा इशारा, उनका इशारा फिर से लालू यादव की ओर है, राबड़ी देवी की ओर है और तेजस्वी यादव की ओर है। तेज प्रताप यादव पहले भी कहते रहे कि घर में उनका कोई सुनता नहीं है, और आगे क्या करें, कौन कितना पानी में है, मतलब आप सोचिए बगावत किस हद तक है, कौन कितना पानी में है सबकी खबर है मुझे, है मुझे। तो आप इस वहां पहुंच गए हैं जहां फिर से एक महाभारत घर में छिड़ गया, कौन कितना पानी में है सबकी खबर है मुझे। तो देखिए, तेज प्रताप यादव ने इसके अलावा कहीं फोनो दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो लोग हमें क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बिहार विधानसभा में अपने अलावा अपने 3 लोगों के लिए टिकट लिए और उन्हें चुनाव जीतवा कर लाया। अब ये तेज प्रताप यादव अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि मान रहे हैं, ठीक है। 2015 का चुनाव जो था वो लालू यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन जब तर्क देने का वक्त आता है तो लोग इसे अपनी निजी उपलब्धि मान लेते हैं। तो देखिए, आज तेज प्रताप यादव ने पीसी रखी थी, पीसी कैंसिल हुई तो लोगों को लगा चलो ठंडा पानी किसी ने पिलाया उनको, लेकिन ठंडा पानी पिया नहीं। उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया। वैसे तेज प्रताप यादव के बारे में यह भी कहा जाता है, आपको ही पता है, ये कब ट्वीट वो वापस ले लेंगे और कह देंगे कि आरएसएस की चाल है। और हमें जो जानकारी मिल रही है इंद्र मोहन, बात सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। देखिए, तेज प्रताप यादव का मेंटर भी कोई ना कोई राबड़ी देवी फैमिली में, लालू यादव फैमिली में ही है। बिल्कुल, परिवार 2 गुटों में बटा हुआ है। वहाँ जब कोई बात होती है, हित आपस में टकराते हैं, इंटरेस्ट टकराते हैं, तो लोग सीधा सीधा कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, इस जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, इसके साथ कुछ जगहों पर और एक खबर चलने लगी है कि मीसा भारती को लेकर भी
परिवार में कंफ्लिक्ट लगातार बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को आमादा है, वह चुनाव लड़ना चाहती है बावजूद इसके कि वह राज्यसभा की सदस्य हैं और अभी लंबा कार्यकाल है। बिल्कुल। लेकिन 2014 में वह रामकृपाल यादव के हाथों हारी थी, वह फिर रामकृपाल यादव से फरियाना चाहती हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों मीसा भारती ने एक बयान दे दिया था जिसे लेकर बड़ा विवाद हो गया था। रामकृपाल यादव ने उसे कहा था कि यदि मीसा भारती ऐसा समझती हैं वो मेरी भतीजी हैं, तो खैर वो जो बयान था। तो ये बात चल रही है और पहले से यह बात चलती रही है कि वहाँ तेजस्वी यादव भाई वीरेंद्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं जो मनेर के विधायक हैं। जब इस पर विवाद हुआ तो भाई वीरेंद्र पहले आप याद कीजिए बिल्कुल फायर ब्रांड प्रवक्ता थे, जैसे नीरज कुमार बोलते हैं ना बिल्कुल जदयू में, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। वैसे ही लहजे में भाई वीरेंद्र तेजस्वी यादव की ओर से बोला करते थे। लेकिन जब परिवार में विवाद पैदा हुआ तो भाई वीरेंद्र जो है उनको विराम लग गया, शांत हो गए, वो शांत हो गए। तो आज जब से ये तेज प्रताप यादव ने स्टैंड बदला है तो ये लगने लगा है कि मीसा भारती के टिकट पर भी कहीं ना कहीं शक सुभा है। बिल्कुल। और एक बात आपको और बता दें कि यदि हम लालू फैमिली की बात कर रहे हैं तो इस बात में कोई शक नहीं है कि तेज प्रताप यादव के ससुर मतलब ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय को छपरा से चुनाव लड़ने का टिकट दिया जा चुका है, उन्हें कहा जा चुका है। और तेजस्वी यादव छपरा के लोगों से कह भी रहे हैं कि आपको चंद्रिका राय की मदद करनी है, इसके लिए तैयारी कीजिए। ये भी विरोध का कारण हो सकता है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि तेज प्रताप जो है ऐश्वर्या राय को तलाक देना चाहते हैं, तलाक बिल्कुल, यह मामला फिलहाल कोर्ट में है। फिलहाल कोर्ट में है और उनका न चंद्रिका राय से कोई संवाद है और न कोई इनसे संवाद है, ऐश्वर्या राय से संवाद है। तो चंद्रिका राय को तो सारण का टिकट मिल चुका है, छपरा का टिकट मिल चुका है, जो लालू यादव की परंपरागत सीट है। लालू यादव वहाँ खुद से चुनाव जीतते रहे हैं 2014। अगर दूसरे तरीके से देखें तो फिलहाल अभी तक के हालात में वो सीट परिवार के पास ही। हाँ, अभी ठीक है। हाँ। अभी राजीव प्रताप रूढ़ी है, 2014 में राबड़ी देवी हार गई थी वहाँ। तो ये जो ठीक चुनाव के समय फिर से वो पटाखा फट गया है लालू यादव के परिवार के भीतर। और आपको याद कीजिए कि जब पिछले बार पटाखा फटा था तलाक को लेकर, तो लालू यादव को तेज प्रताप यादव को शांत कराने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। लालू यादव नाराज हुए, मनाया, ये गायब हो गए, पुलिस स्क्वाड को छोड़कर चले गए और फिर पता ही नहीं चलता रहा कि तेज प्रताप यादव कहाँ हैं। तो आप देखिए जो हालात यदि पैदा फिर से हो गए हैं तो अब तेजस्वी यादव के समक्ष संकट ये है कि वे क्या तेज प्रताप यादव की बात मानेंगे। हमें नहीं लगता है कि वो किस किस को मनाएंगे, वो मीसा भारती का कलह शांत कराएंगे, तेज प्रताप का कलह शांत कराएंगे, या पार्टी की अंदरूनी कलह, हाँ, नेताओं की मारामारी है टिकट के लिए उसको शांत कराएंगे, या महागठबंधन में कांग्रेस से बात करेंगे, बिल्कुल राहुल गांधी से बातचीत होगी, या कुछ सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है छोटी पार्टियों के दलों के साथ उनके पेच को कैसे सुलझाएंगे। खैर मतलब लंबा चलेगा, लेकिन यहाँ से ये इस ट्वीट से लग रहा है कि ये फिलहाल आर पार की स्थिति में तो नहीं। देखिए आप फिर से, क्या इनके पास इतना बैकअप है कि ये आर पार कर सकते हैं? देखिए अभी ऐसा कोई बैकअप तो है नहीं, ठीक है ना, कि वो आर पार कर लें लालू यादव या तेजस्वी यादव। फिर से उम्मीद करें कि एक फिर ट्वीट आएगा कि नहीं, आप ये इतनी जल्दी मत उम्मीद कर लिए। क्या करें, नादान हैं वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं। इसका अर्थ यदि आप दूसरे तरीके से देखें तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मैं होशियार हूँ, और आप समझिए कि आप करें ट्वीट वापस कर लें, यह भी तो हो सकता है कि फिर से तेज प्रताप यादव का मोबाइल बंद हो जाए और वो गुम हो जाए, एस्कॉर्ट छोड़ के चल दें कहीं, तो फिर पूरा देश और पूरा बिहार इसी बात की चर्चा करता रहेगा कि तेज प्रताप यादव गए कहाँ, कहाँ गुम हो गए, कहाँ लापता हो गए। तो उसके बाद तेज प्रताप यादव की खोज शुरू हो जाएगी। तेजस्वी यादव चुनाव क्या प्रचार करेंगे, क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो भाई को ढूंढते रहेंगे और उन्हें मनाने में लगे रहेंगे। अब वो वृंदावन में बैठ के, अयोध्या में बैठ के, गोरखपुर में बैठ कर कोई ट्वीट कर दें तो विपक्ष तो कहेगा ना कि आप अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप महागठबंधन को क्या संभालेंगे, बिहार को क्या संभालेंगे, नरेंद्र मोदी से क्या लड़ेंगे। वैसे भी आप देखिए महागठबंधन चुनाव की तैयारियों में एनडीए से बिल्कुल पीछा तैयार है। एनडीए के सभी 40 के 40 उम्मीदवार मैदान में घोषित हैं, मैदान में हैं। अमित शाह की रैली होनी है, नरेंद्र मोदी की रैली होनी है,
और आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। कभी गर्दन का दर्द हो जा रहा है, दिल्ली में दर्द होता है तो गर्दन का दर्द हो जाता है। जब आप आज की तमाम उनकी चुनावी सभा रद्द कर दी गई, वजह बताया गया कि गर्दन में दर्द है, लेकिन वजह यह थी कि महागठबंधन के गर्दन में दर्द था। प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 6 बजे बुलाई गई, वो भी रद्द कर दी गई। कल होगी कि नहीं होगी, कल 29 मार्च का फिर समय दिया गया, क्योंकि फिर कांग्रेस ने एक नए प्रपोजल्स रखे हैं, कुछ बातें बनी है, कुछ बातें फंसी हुई हैं। तो ये जो है ना, ये इतनी बड़ी चुनौती पैदा हो गई कि एक बड़ा संकट पैदा हो गया है, और इसे कैसे संभाल पाता है लालू परिवार। और यदि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में समानता नहीं देखी तो ये आप समझ लीजिए कि ये बगावत जो है चुनाव को प्रभावित करेगी। वोटर्स को कितना प्रभावित करेगी अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव को लोग कितने सीरियसली लेते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव कह तो रहे हैं, कौन कितना पानी में है सबकी खबर है मुझे, मतलब एक तरीके से धमकी दे रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि कौन कितना पानी में है सबकी खबर है मुझे। मतलब इसके कहने का आशय इंद्र मोहन तो यही हुआ ना कि सबकी खबर उन्हें है, और जरूरत हुई तो ये सारी खबर वो दुनिया को बता देंगे। सारे पत्ते खोले जा सकते हैं बिल्कुल। हाँ, और आपने देखा कि ऐश्वर्या राय को घर में रखने के लिए या तलाक वापस लेने के लिए जितना दबाव पड़ा तेज प्रताप पर, हुए नहीं माने, बिल्कुल उस और अब तक कानूनी लड़ाई चल रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ा बड़ा मुद्दा पैदा हो गया है, और ये महाभारत जो है ना लालू परिवार का, ये चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो इसको नजर, भले हम ये कहें कि तेज प्रताप का वोटर्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फैमिली में तो इम्पैक्ट पूरा होगा। देखिए, फैमिली में इम्पैक्ट है कि नहीं है ये बात नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि फैमिली में उन्हें लोग नादान समझते हैं। आप याद कीजिए ना, वो पहले भी कहें मम्मी मेरी बात नहीं सुनती है, पापा मेरी बात नहीं सुनते हैं, पार्टी के सीनियर्स मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो आप देखिए, जाए तो जाए, जाए तो जाए कहाँ। तो ये जो हालात है ना, तो इसलिए इंद्र मोहन नजर तो चलिए इस ट्वीट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अगर तेज प्रताप से जुड़ी कोई और भी खबर आएगी तो लाइव सिटीज आपको सबसे पहले अवगत कराएगा। फिलहाल हमने आपको ट्वीट का हाल बताया। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई और खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव सिटीज, एक्सक्लूसिव कवरेज कर रहा है लाइव सिटीज लोकसभा चुनाव पर, और डिटेल से खबर पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।